नमस्कार फ्रेंड्स, देवनगरी उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। ये देखिए, मक्की भुट्टा आता है मार्केट में, तो मैंने मक्की भुट्टा तो हमने लोगों ने खा लिया, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो जो इसका छिलका होता है बाहर का कवर, उससे मैंने कुछ बनाया है। हम इसको कवर को पूरी तरह गीला कर लेंगे। चाहो तो आप स्प्रे से कर लें, या वाश बेसिन में जाकर मैंने जग में पानी डालकर और उससे मैंने ये काफ़ी गीला कर लिया है, और इसे किसी कॉटन के कपड़े में अंदर रख देंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ कोस्टर, इससे कोस्टर बनाने जा रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ कोस्टर। एक एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा।
ये देखिए रोल करते करते कोस्टर का लुक बनाना है तो इस समय काफ़ी देर हो गई थी, तो मेरे बेटे ने मेरे लिए मैगी बना दी बच्चों को, और तो अभी छोटे हैं बच्चे तो और तो कुछ आता नहीं, तो मैं बीच में मैगी भी खा ली, बेटे ने बनाई थी, देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट करके लाया है वो मेरे लिए। तो पेट पूजा के बाद मैं फिर लग गई, ये देखिए फाइनल किस तरह से बंद करना है कोस्टर को, मतलब कोई भी चीज़ इससे बनाई जाए तो इस तरह से गींट मारकर इसको बंद कर दें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कोस्टर बना दिया। अब चलते हैं सेकंड DIY की तरफ। ये अब मैं फ्लावर बना रही हूँ, ये फर्स्ट फ्लावर है, देखिए इसकी पंखुड़ी मैंने इस तरह से कट, आप कट कर सकते हैं किसी कार्डबोर्ड वगैरह पे, तो इस तरह से इसका मैं कटआउट ले लूँगी और इससे फ्लावर बनाऊँगी। तो देखिए तो मैं घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से ही कुछ बनाना चाहती हूँ, तो ये झाड़ू की
फुलझाड़ू होता है उसकी सीख है, तो मैं इसी से डंडी बनाने की कोशिश करूँगी। ये मैं इसलिए बनाती हूँ कि घर में कोई भी कबाड़ फालतू नहीं होता, सब कबाड़ को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से अगर घर में आपके पास वायर नहीं है तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और कपड़े से ग्रीन टेप नहीं है मेरे पास, तो मैं कपड़ा ही, ग्रीन कपड़ा मेरे पास था तो मैं उसका ही यूज़ करूँगी। अब चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। ये है, ये भी फ्लावर है। फ्लावर देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ।
फोर्थ DIY। तो ये फाइनल फ्लावर बना के मैं आपको सीधा फाइनल दिखाती हूँ कि किस तरह कैसे कैसे बने हैं सब। तो ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।